नमस्ते सदावत्सल्य मातृभूमि। आज हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं संसद में जो हंगामा हुआ और संसद में जिस प्रकार से राहुल गांधी बनाम अनुराग ठाकुर हुआ। राहुल गांधी अनुराग ठाकुर, चूंकि राहुल गांधी लगातार, राहुल गांधी को लग रहा है कि दो तीन विषय अगर वो पकड़ लेंगे तो फिर वो बड़ी अच्छी राजनीति कर लेंगे। हालांकि वो दो तीन विषय जो उन्होंने पकड़े हैं वो दोनों तीनों विषय ऐसे हैं जिससे देश टूटने का नंबर आता है। पहला विषय उनका है जो जाति जनगणना की बात वो कह रहे हैं, मैं करवा के रहूँगा, जाति जनगणना करवा के रहूँगा, देश को बता के रहूँगा कि कितनी किसकी हिस्सेदारी, किसकी कितनी भागीदारी। यानी कि वो देश में हर एक जाति, यानी कि अब हिंदू नहीं रह के जातियों में विभक्त हिंदू दिखाई देगा। ये समस्या एक समय उनकी दादी के सामने आई थी, लेकिन उनकी दादी के सामने समस्या मतलब उन्होंने जनगणना ऐसी करवाई थी जो रिजर्वेशन को लेकर मंडल आयोग बैठाया था, मंडल कमीशन की रिपोर्ट उनकी दादी के सामने आई थी, लेकिन उनकी दादी उसको पब्लिश नहीं कर पाई क्योंकि हिम्मत नहीं कर पाई कि देश को तोड़ पाएंगे। विश्वनाथ प्रताप सिंह ने उसको पब्लिश किया और मंडल आयोग लाकर एक नई जाति, एक नया पिछड़ा वर्ग तैयार कर दिया। आपको मालूम है कि 1989 से पहले पिछड़ा वर्ग नाम का कोई था ही नहीं, वो सारे सवर्ण थे, मतलब या तो SC ST हुआ करता था या फिर सवर्ण हुआ करता था। तो जो यादव, खासतौर से मैं यादव को यहाँ कवर कर रहा हूँ, यादव को कह लीजिए या भगवान बुद्ध के वंशज कह लीजिए, ये सब सवर्ण हुआ करते थे। 1989 में उनको OBC घोषित कर दिया, यानी कि उनको बैकवर्ड बना दिया। उन सवर्णों को जिनके परिवारों में भगवान का जन्म हुआ, यादवों में भगवान का जन्म हुआ, और आप सोचो कि शाक्यों में भगवान बुद्ध का जन्म हुआ, ऐसे जातियां जो हमारे यहाँ, जातियों से मतलब वो जातियां जो हमारे यहाँ या वो वर्ग जिनमें जिन्होंने समाज का नेतृत्व किया, उन वर्गों को OBC बैकवर्ड क्लास घोषित कर दिया। उस बैकवर्ड क्लास के घोषित होते ही देश में एक नई राजनीति चल दी और वो नई राजनीति अब OBC की राजनीति थी। अब राजनीति तरक्की की ख़त्म हो गई, अब राजनीति आगे प्रोग्रेस की ख़त्म हो गई, अब राजनीति जो शुरू हुई वो शुरू हुई किसी न किसी तरह से जाति की। अब जाति की राजनीति इतनी खतरनाक हुई कि बहुत सारे प्रदेशों में सरकारें बन गई। फिर बाद में मोदी जी जब आए तो मोदी जी चूंकि खुद बैकवर्ड क्लास से आया करते थे और कुछ राज्यों में तो उनकी जाति SC में कवर होती है, यानी कि कुछ राज्यों में वो SC जाति में आते हैं और कुछ राज्यों में वो OBC में आते हैं। अब जब OBC में, ये मान के चलूँ कि वो बैकवर्ड क्लास में आते हैं, जब बैकवर्ड क्लास का प्रधानमंत्री बन गया तो प्रधानमंत्री बनने के बाद की जो क्षुब्धता थी वो बड़ी समस्या आ गई, क्योंकि छोटे छोटे राज्यों में विभक्त देश, छोटी छोटी जातियों में विभक्त देश, छोटी जातियों से मतलब कम आबादी की जातियाँ, छोटी जाति कोई जाति छोटी बड़ी नहीं होती। जब आप न्याय दर्शन पढ़ेंगे तो न्याय दर्शन में जाति विग्रह शब्द इस्तेमाल किया गया है और जाति निग्रह स्थान शब्द इस्तेमाल किया गया। मैं उसके विषय में पूरी चर्चा करूँगा और चर्चा ये भी करूँगा कि आखिर अखिलेश यादव को क्यों लग गई। चर्चा हम ये भी करेंगे कि आखिर अनुराग ठाकुर ने कहा तो राहुल गांधी की इंसल्ट कैसे हो गई, और जंतर मंतर पर केजरीवाल को बचाने के लिए कौन कौन गया, ये सारे विषय, और ऊपर से चच्चा को गच्चा, ये सारे विषय आज की राजनीति के रहे। लेकिन इनकी सबकी रेलिवेंसी लगाना शुरू करेंगे तो बातें एकदम स्पष्टता से सामने आएंगी। पहली बात पर हम लोग करते हैं जिसमें राहुल गांधी की चर्चा कर रहे थे कि वो तीन तरह की राजनीति कर रहे हैं। एक तो जाति जनगणना की राजनीति कर रहे हैं, दूसरी वो डिफेंस पर राजनीति कर रहे हैं। डिफेंस पर राजनीति से मतलब है अग्निवीर पर राजनीति वो खूब फुलटास कर रहे हैं, और तीसरे प्रकार की राजनीति वो तुष्टिकरण की राजनीति है, उस तुष्टिकरण की जिस पर लव जिहाद का कानून पुष्टिकरण के साथ उत्तर प्रदेश सरकार ने लागू कर दिया है, वो आज पास कर दिया है। और उत्तर प्रदेश सरकार ने लव जिहाद पर स्पष्टता से कहा कम से कम 20 वर्ष की सजा और उम्र कैद भी, अगर लव जिहाद कोई करता है तो फिर कम से कम 20 वर्ष की सजा देंगे, मतलब प्रयास करता है तो 20 वर्ष की सजा और नहीं तो उम्र कैद के प्रावधान है, मिनिमम 20 ईयर्स, यानी कि उसकी जवानी पूरी, लव जिहाद करता है तो जवानी पूरी जेल में चली जाएगी। ये वो तुष्टिकरण की राजनीति राहुल गांधी करते हैं। तो सवाल यहाँ पर यह आया कि जाति भारत में है क्या, वो समझ में आए तो फिर समझ में आए कि वाकई में क्या है, ओरिजिनल उसकी स्थापना का कारण क्या है।
अब अनुराग ठाकुर ने जब उनसे पूछा कि भाई वो जाति जनगणना की बात कर रहे हैं जिनकी अपनी जाति का पता नहीं है, बात तो बिल्कुल सही है कि अपनी जाति का पता नहीं है, नकली गांधी जिनको मैं कहता हूँ वो कौन सी, 4 पीढ़ी बाद वो कौन है? अब 4 पीढ़ी पहले की भी कहानियों को मैं नहीं जानता, मैं मानकर चलता हूँ कि मोती के लाल हैं, मोतीलाल नेहरू के वंशज हैं। मोतीलाल नेहरू के वंशज क्या फिर वे ये नेहरू बचे? और नेहरू गांधी कैसे हो गए? गांधी ईसाई से शादी करके फिर कैसे हो गए? फिर उनकी बेटी की ईसाई से शादी हुई तो फिर कैसे हो गए? तो यही बात उन्होंने पूछ दी, किसी का नाम नहीं लिया था। उन्होंने कहा कि जाति जनगणना की वो लोग बात कर रहे हैं जो जिनकी जाति का खुद का पता नहीं है, किराए की राजनीति कर रहे हैं। इस बात पर राहुल गांधी खड़े हुए और खड़े होकर उन्होंने कहा मेरी इंसल्ट चाहे जितनी कर ली, अपनी जाति नहीं बताई। भाई जो जाति जनगणना की बात कर रहा है, जो जाति विभाजन की बात कर रहा है, जाति के आधार पर देश तोड़ने की बात कर रहा है, देश में टुकड़े टुकड़े देखने की बात कर रहा है, उस व्यक्ति को अपनी जाति नहीं मालूम। भारत की तो सबसे खास बात यही है कि वर्ण में और जातियों में विभक्त भारत, ये भारत की शक्ति भी है रही है और आज की तारीख में वो भारत की कमजोरी भी है। मैं मानकर चलूं कि ईसाइयों के आने से पहले, जब ईसाइयों ने 1835 का कानून लेकर आए थे, 1836 में जब उन्होंने नई एजुकेशन पॉलिसी लेकर आए थे, उद्योग नीति उसके बाद लेकर आए थे, उनकी उद्योग नीति से पहले जातियां भारतवर्ष में अभिमान हुआ करती थी, जातियां भारतवर्ष की व्यवस्था हुआ करती थी और उनमें छोटी और बड़ी जातियां नहीं दिखती थी। मुगलों ने आकर या मुसलमानों ने आकर जातियों को छोटा बड़ा दिखाने की कोशिश की, खास तौर से जब अकबर ने आगरे में भोज करवाया, ब्राह्मणों का भोज करवाया, क्योंकि उनको मालूम था कि जो ब्राह्मण वर्ग है वो नेतृत्व कर रहा है, ब्राह्मणों का भोज करवाया। भोज करवाने के बाद उनको विश्वा दान में दिए, मतलब उनको दक्षिणा में विश्वा जमीन दी, तो वो ब्राह्मण भी 20 विश्वा, 18 विश्वा, 16 विश्वा, 15 विश्वा, जितनी जिसको जमीन दी गई उतने विश्वे के ब्राह्मण कहलाए। यानी कि ब्राह्मणों में भी बड़े छोटे इस आधार पर हुए कि बादशाह किसको बड़ा छोटा घोषित कर रहा है। अब वो ब्राह्मण सामान्य तौर से ब्राह्मण नहीं रहे, ब्राह्मण भी अब 2 विश्वा, 4 विश्वा, 6 विश्वा, 8 विश्वा, 10 विश्वा, 12, 14, 16, 18 और 20 के हो गए। यानी कि जिसको 20 विश्वा जमीन दी गई, आज का 1 बीघा मान लीजिए, जिसको 20 विश्वा जमीन दी गई वो उच्च कोटि का ब्राह्मण। अब दूसरे शब्दों में लोग कहते हैं कि वो ब्राह्मण जिन्होंने अपनी बेटी अपने अपने परिवार सहित अकबर का अतिथ्य स्वीकार किया, उनको निश्चित तौर पे ज़्यादा भूमि दी गई। कुछ ब्राह्मण ऐसे हैं जिन्होंने, जिनके विश्वा नहीं है, वो भोजन करने ही नहीं गए, उन्होंने त्याग दिया, उन्होंने कहा मैं भोजन करने नहीं जाऊँगा। तो ये मतलब सारे समाज को तोड़ने के बाद ब्राह्मण वर्ग को भी छोटे बड़े में तोड़ लिया जाए, ये मुस्लिम पक्ष की एक विशेषता हुआ करती थी, इसके आधार पर वो शासन करते थे। यानी कि डिवाइड एंड रूल उनकी भी नीति थी, अंग्रेजों की भी नीति थी, और स्वतंत्रता के बाद जो सरकार सत्ता में आई उसकी भी वही नीति रही, क्योंकि उसने SC ST SC रिजर्वेशन इन एम्प्लॉयमेंट 1951 में पहला संविधान संशोधन करके लागू कर दिया था। बाकी सब कुछ एजुकेशन में था रिजर्वेशन, पॉलिटिक्स में रिजर्वेशन था, पॉलिटिकल रिजर्वेशन था, सब जगह रिजर्वेशन था, केवल देश की इफिशियंसी में यानी कि मशीनरी में रिजर्वेशन नहीं था। उन्होंने कहा, उन्होंने उसको लागू कर दिया और ये डॉक्टर अम्बेडकर की चिंता हुआ करती थी, इसलिए वो रिजर्वेशन सबसे घातक माना गया और वही रिजर्वेशन आज भी ऐसा है जिसकी वजह से हम जातियों को भारत में सही नहीं कर पा रहे। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये जातियाँ पैदा कैसे हुई, हम सबको जानना चाहिए, हम सबको पता होना चाहिए। जैसा मैंने पहले भी कहा कि एक बात दो हिस्से हैं, दो हिस्से ये हैं कि भाई ये दुनिया किसने बनाई, मुझे किसने बनाया, तो हमने परमात्मा का नाम लिया और कहा कि परमात्मा ने ये सब कुछ बनाया। उसमें हमने उपनिषदों में ये भी कहा कि वैसे बनाया जैसे, तो सवाल ये पैदा हुआ कि जब हमने ये कहा कि भाई संसार बना कैसे, तो उपनिषदों ने कहा कि परमेश्वर ने वैसे ही जैसे एक मकड़ी अपना जाला बुनती है, इस्तेमाल करती है और फिर उसको खा जाती है, ऐसे ही परमेश्वर ने संसार बनाया, संसार बनाने के बाद उसका उपभोग करवाता है, उपभोग करवाने के बाद इसको समाप्त कर देता है यानी कि विनाश कर देता है। तो सवाल ये पैदा हुआ कि फिर मेरे करने के क्या काम है, मेरे करने के काम ये है कि तुम मोक्ष को प्राप्त करो। अब हम मोक्ष को कैसे प्राप्त करें, ये सवाल है। तो उसने कहा कि एक काम करते हैं कि चार चार वर्ण
जो आधार पर बनेंगे, मतलब जो जो आपका बेसिक आधार बनेगा कि आप कौन से वर्ण का वर्ण के हैं, और उस वर्ण अनुसार अपने कर्म करेंगे। वो कुंडली आप कोई भी अपनी देखेंगे तो कुंडली में वर्ण लिखा होता है, यानी कि ये एक वैज्ञानिक प्रक्रिया है, वैज्ञानिक रासायनिक प्रक्रिया है, जिसके आधार पर आपके जन्म के समय आपका वर्ण कैसा हो, कौन सा हो, ये लिखा होता है। माँ बाप के आधार पर नहीं लिखते उस पर कि आपका वर्ण कौन सा है। वर्ण और गण आपके जन्म के आधार पर लिखते हैं कि उस समय का एटमॉस्फियर, उस समय की कालगणना, उस समय की खगोली गणना क्या थी और उस समय आपका वर्ण क्या हो। वर्ण व्यवस्था के बाद उसने कहा कि समय कैसे काटोगे, तो आश्रमों की बात करी। आश्रमों के बाद पुरुषार्थों की बात करी कि चार पुरुषार्थ करेंगे। पुरुषार्थ कैसे, धर्म अर्थ काम मोक्ष। फिर उसने कहा कि जो वर्ण हैं, वर्ण में जो काम करने वाले हैं, अब एक वर्ण तो ब्राह्मण का कहा, उसका काम अध्ययन अध्यापन करना है, जो अध्ययन अध्यापन में रुचि रखता है, जो ब्रह्म को जानने का प्रयास करता है, जो ब्रह्म के विषय में संसार को ज्ञान देता है वो ब्राह्मण कहलाता है, उसको धन का अधिकार नहीं होता। ब्राह्मण सदैव गरीब होता है, कोई भी शास्त्र उठाकर देख लें तो आपको यही मिलेगा, एक गांव में एक गरीब ब्राह्मण था, यहां से कथा शुरू होती है। तो ब्राह्मण सदैव गरीब होता था और वो भिक्षा मांगकर अपने शिष्यों के द्वारा भिक्षा मंगवाकर, आप सोचो भगवान श्री कृष्ण संदीपन ऋषि के आश्रम में गए, संविदा रखी, तो फिर भिक्षा सबसे पहले उन्होंने मंगवाई, भाई भिक्षा मांगकर लाओ। तो जो भी बड़े से बड़े परिवार का कोई व्यक्ति जाएगा, भगवान राम अगर शिक्षा लेने के लिए जाएंगे तो उनका गुरु जो उनको सिखाएगा वो भिक्षा मंगवाएगा। भिक्षा से दो कारण हैं कि पहले तो उसको अभिमान नहीं होना चाहिए, भिक्षा का मतलब है उसका ईगो पूरा खत्म हो जाए, वो घर घर से भिक्षा मांग कर लाएगा। दूसरा, भिक्षा मांगते समय उसको वातावरण दिखाई पड़ेगा कौन से परिवार की क्या स्थिति है, फिर शिक्षा लेगा के। और गुरु को तो कभी अभिमान करना ही नहीं है, गुरु अगर अभिमान कर लेगा, ब्राह्मण अगर अभिमान कर लेगा, ब्राह्मण अगर अभिमानी हो जाएगा, तो फिर आप ये मान लीजिए कि सृष्टि का विनाश वहीं से हो जाएगा। क्योंकि ब्राह्मण जो ब्रह्मांड को जानता है, अगर उसको जो चीज़ें रहस्य पता हैं, अगर उसके दिमाग उल्टा हो जाएगा तो फिर वो विनाश की तरफ भी ले जाएगा। याद करिए शुक्राचार्य को, वो फिर विनाश की तरफ ले जाएंगे। इसलिए ब्राह्मण को तो भिक्षा मांगकर ही खाना, जो अपने आप को ब्राह्मण कहता है वो भिक्षा मांगकर ही खाएगा, ये उसका प्रारब्ध है और ये उसके लिए ही आवश्यक है। फिर हमने कहा क्षत्रिय, छत्री बैठेगा, देश की रक्षा करेगा, सुरक्षा करेगा, उसकी जिम्मेदारी बनती है कि वो व्यवस्था को बनाए। तीसरा, अर्थ। अर्थ कहाँ से आएगा, तो अर्थ के लिए हमारे यहाँ केवल दो तीन काम हैं और हमने उसमें कहा कृषि है, तो एग्रीकल्चर। अब एग्रीकल्चर कृषि जो करेगा, कृषि के तमाम अंग बनेंगे। कृषि कृषक कपड़े भी पहनेगा, हल भी साफ, हल भी उसका होना चाहिए, उसका उसके यहाँ काम करने वाले भी होने चाहिए, उसके सहयोगी होने चाहिए। तो कृषि कार्य ही हमारे यहाँ का मुख्य व्यवसाय है और कृषि कार्य के सहयोग में जातियाँ बनी, वो सब मिलकर उसी एक गांव की कृषि पर डिपेंड करते करेंगे और उसी से जो कर के रूप में, यानी कि उसका एक भाग, वो पहले 1/6 चलता था, बाद में 1/3 तक चला, वो जो फसल उगेगी उसका 1/6 राजा को देगा, जो बाह्य सुरक्षा और आंतरिक सुरक्षा की व्यवस्था करेगा, क्षत्रिय का भोजन करवाएगा। ब्राह्मण किसी पर डिपेंड नहीं करेगा, ब्राह्मण अपना भोजन भिक्षा मांग कर खाएगा, क्षत्रिय का भोजन की व्यवस्था वैश्य करेगा और वैश्य के सहयोग में सहयोगी जातियां होंगी, जो कोई खेत में काम करेगा तो कोई हल पर काम करेगा, तो कोई गाय भैंस का काम करेगा, तो कोई डॉक्टरी का काम करेगा, तो कोई लोहार का काम करेगा, कोई सुनार का काम करेगा, कोई दर्जी का काम करेगा, कोई बाल काटने का नाई का काम करेगा, कोई तेली का काम करेगा, तो कोई धनुक, यानी कि मतलब घर में डिलीवरी से लेकर सब कुछ लोगों के काम व्यवसाय बटे हुए हैं, वो जाति कहलाती है। अब इसका प्रमाण कहाँ मिलता है कि वो जाति क्या है, और वो जातियाँ वैज्ञानिक हैं, वो जातियाँ कार्य विभाजन है, वैज्ञानिक है, वैश्यों के बीच में जातियाँ हैं, वो कार्य विभाजन है। जाति के विषय में अगर आप देखेंगे तो न्यायशास्त्र, न्यायशास्त्र को जब आप पढ़ेंगे तो उसमें 16 पदार्थ मिलते हैं। 16 पदार्थों की अगर हम चर्चा करें तो वो कहता है प्रमाण है, प्रमेय है, संशय है, प्रयोजन है, दृष्टांत है, सिद्धांत है, अवयव, तर्क, निर्णय, वाद, जल्प, विदंडा, हित्वाभास, छल, जाति, 15वां पदार्थ उसने बताया जाति, और निग्रह स्थान। अब ये जो जाति उसने बताई यहां पर कि भाई जाति न्याय का एक, न्याय दर्शन का एक अंग है, मतलब पदार्थों में से है। जाति पदार्थ जब उसने बताया तो उसने बताया कि एक प्रकार का एक्सट्रैक्ट, जो भी आपने न्याय के माध्यम से सत्य की खोज की
और उसमें जो विभाजन किया उस विभाजन का एक तत्व जाति है, और वो जाति वो है यानी कि स्पेशलाइजेशन। अगर उसको हम मनुष्यों के कैटेगरी में लेकर आते हैं जाति को, उसके पदार्थ ना मानकर कैटेगरी लेकर आते हैं, तो वो कहता है एक प्रकार का दायित्व लेने वाले, काम करने वाले लोग नहीं है, वो एक जाति बन जाएगी। मतलब जो बाल काटने का काम करता है वो एक जाति बन जाएगी, जो लोहार है जो लोहे का काम करता है वो एक जाति बन जाएगी, जो सोने का काम करता है वो एक जाति बन जाएगी, जो कपड़े का काम करता है जुलाहा है उसकी एक जाति बन जाएगी, जो कर्मकांड करता है कर्मकांडी ब्राह्मण है उसकी एक जाति बन जाएगी। कुल मिलाकर जातियाँ एक्सट्रैक्ट हैं, जो जो डिवीज़न है। आज आप कहते हैं ना कि ये मेटलर्जी का स्टूडेंट है, ये इसका काम सॉफ्टवेयर का है, इसका काम आर्किटेक्ट का है, वो जातियाँ हैं। ये डॉक्टर है ये जाति है, ये कपड़ा बेचता है ये एक जाति है। तो जातियां मतलब है कि वो कार्य के आधार पर जो एक्सट्रैक्ट एक प्रकार का जो कार्य डिवीजन हमने किया उसको हमने जाति कहा। वो समाज के हिस्सेदार हैं, वो कृषक के हिस्सेदार हैं, वो व्यवस्था के हिस्सेदार हैं। इसलिए जाति कोई छोटी और बड़ी नहीं है। सपोज एक फैक्ट्री में 10 लोग काम करते हैं, एक सॉफ्टवेयर का इंजीनियर है, एक हार्डवेयर का इंजीनियर है, एक मैनेजर है, एक वहाँ का मेट है, एक मार्केटिंग वाला है, एक वो है, तो ये उनकी जातियाँ हो गई। काम फाइनली एक होना है। तो वैसे ही यहाँ पर भी उसने कहा एक काम, क्या? तो उसने कहा एक काम ये होना है, ये किसका बड़ा परिदृश्य है, इसके अंदर जातियाँ होंगी। अब उसके अंदर जातियाँ मतलब ये जो है समाज के भरण पोषण की जिम्मेदारी वैश्य की है। अब उसका डिवीजन कैसे काम का हो, तो उसमें हमने जो डिवीजन किया काम का व्यवस्था को बनाने के लिए या लोगों की सेवा करने के लिए या लोगों को सुव्यवस्थित करने के लिए, उनको हमने जाति कहा। वो कोई जाति अच्छी बड़ी छोटी बड़ी नहीं है। ये न्याय शास्त्र जब आप पढ़ेंगे तो वहां पर उसके 16 पदार्थों में एक पदार्थ पूरा जाति है। जिन लोगों ने भी न्याय शास्त्र पढ़ा होगा, जिन्होंने भारतीय दर्शन पढ़ा होगा, उनको ये बात समझ में आ रही होगी। तो जाति तो ये है। अब कहते हैं जाति जनगणना, तो क्या जन्म के आधार पर जातियां भारत में कभी थी? जन्म के आधार पर क्या वर्ण कभी थे? आप ये कहते कि भाई हम भारतीय व्यवस्था को लागू करना चाहते हैं, भारत में जाति जन्म के आधार पर हम खत्म करके कर्म के आधार पर जातियां निर्धारित करेंगे, कर्म के आधार पर ही हम वर्ण भी स्थापित करेंगे, तो बात समझ में आती कि हाँ भाई वाकई में आप भारतीय दर्शन भारतीय सिस्टम को एस्टैब्लिश करना चाहते हैं और भारत की व्यवस्था को सुव्यवस्थित करना चाहते हैं। इसको ऐसे समझना चाहिए, एक व्यवसाय क्या है? कृषि। एक व्यवसाय आज की तारीख में फैक्ट्री है, सपोज वो मोबाइल बनाती है, तो मोबाइल बनाने वाली फैक्ट्री उसका एक ओनर होगा, उसके तमाम तरह के सहयोगी होंगे, या वो कंपनी है, कंपनी तो खुद में मालिक है और उसके सहयोगी हैं, उन सहयोगियों के डिफरेंट डिपार्टमेंट। अब एक डिपार्टमेंट में एक ही तरह के तो इंजीनियर बैठेंगे, एक ही तरह का काम करने वाले बैठेंगे, वो एक जाति हो गई। तो एक फैक्ट्री के अंदर 20 डिपार्टमेंट हैं, तो 20 जातियां उस फैक्ट्री की हो गई। अब आप ये कहें कि सूबेदार का बेटा भी सूबेदार ही होगा, आप ये कहें कि मेजर जनरल का बेटा भी मेजर जनरल ही होगा, आप ये कहें कि इंजीनियर का बेटा भी बिना पढ़ाई के इंजीनियर होगा, यानी कि जन्म के आधार पर, क्योंकि उसने इंजीनियर से जन्म लिया इसलिए इंजीनियर होगा, आप ये कहें कि उसने ब्राह्मण माँ से जन्म लिया इसलिए वो ब्राह्मण होगा, तो ये स्वीकार नहीं हो सकता, ये सही नहीं। अब इसमें अखिलेश यादव को क्यों समस्या हुई, ये एक बड़ी बात है, क्योंकि अखिलेश यादव ने इस विषय पर अपनी बात कहनी शुरू कर दी। अखिलेश यादव ने खड़े हुए, आपने जाति क्यों पूछ ली? जाति क्यों पूछ ली? अरे भाई भारत में आप जाति जनगणना की बात कर रहे हैं, वो भी गलत तरीके से, जन्म के आधार पर जाति जनगणना की बात कर रहे हैं, जबकि वो कर्म के आधार पर जाति जनगणना हमारे यहाँ अगर आप करें तो समझ में आता है। आप ये कहो कि मैं रीराइट करूँगा जातियों को, रीराइट मतलब हम इंजीनियर की एक जाति बनाएंगे, हम सेवकों की एक जाति बनाएंगे। सेवक मतलब आज के सरकारी कर्मचारी सेवक हैं केवल, वो कुछ पैदा नहीं करते, वो जाति नहीं है, वो जो हैं वो शूद्र हैं,
जो सेवा में लगा हुआ है वो शूद्र है, जो प्रशासन में लगा हुआ है वो क्षत्रिय है, वो किसी भी जाति का हो सकता है, उसके माँ बाप किसी भी जाति के हो सकते हैं, तथाकथित गलत तरीके से हो सकते हैं। आप इसको ऐसे समझना चाहिए कि जब जिस समय कर्ण की बात कही गई तो किसी ने कर्ण को शूद्र नहीं कहा, कर्ण को सदैव शूद पुत्र कहा गया, कर्ण को शिक्षा देने से भी मना नहीं किया परशुराम ने, कर्ण ने झूठ बोला इस बात की पनिशमेंट दी। लोग एकलव्य की भी बात करेंगे, एकलव्य उस इंस्टीट्यूशन में भर्ती नहीं हुआ क्योंकि वो राजे रजवाड़े की पढ़ाई है, जो प्रशासनिक सेवा की पढ़ाई है उसमें आप बताइए कि कैसे हम इकोनॉमिक्स वाले को एडमिशन दे दें, लोग कहेंगे जरूर। तो जो राजे रजवाड़े की व्यवस्था उस समय की है, उनके मंत्रियों के बच्चे उसमें पढ़ते हैं, वो प्रशासन की पढ़ाई पढ़ रहे हैं, वो युद्ध शास्त्र की पढ़ाई पढ़ रहे हैं। अब ये बच्चा एक कहता है कि मेरा एडमिशन इसमें कर लो, भले ही मेरी क्वालिफिकेशन हो ना हो, हो सकता है वो ज्ञाता हो सकता है उसको बहुत ज्ञान हो, और था ही, मैं मानकर चलता हूं उसको था ही, लेकिन उसका एक प्रोसीजर है, सीधे विद्यालय में एडमिशन नहीं होगा। तो द्रोणाचार्य ने मना कर दिया, इसमें कोई बुराई नहीं है। हाँ, वो राजा के पास जाता और राजा से कहता कि मेरा एडमिशन वहां करवा दो, मैं क्षत्रिय होना चाहता हूँ। बिल्कुल वैसे ही जैसे कर्ण को जब मल्ल युद्ध या जो प्रशासनिक युद्ध हो रहा था उसमें उसने अर्जुन को ललकारा तो मना कर दिया गया, कहा कि तुम क्षत्रिय नहीं हो, तुम राजवंश के नहीं हो। उसमें दुर्योधन ने कहा कि मैं अपनी विशेष शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए उसको अंग देश का राजा बनाता हूँ। अंग देश का राजा बनाना मतलब अब वो क्षत्रिय हो गया, अब राजा हो गया, छत्री हो गया, इनके अब वो क्वालिफाई हो गया, आईएएस हो गया, या मुख्यमंत्री हो गया, अब वो या सेनाध्यक्ष हो गया, जो भी आप उसको शब्द इस्तेमाल करें, अब वो उस कैटेगरी में आ गया। अब उसकी बैठक उसमें हो सकती है, नीति आयोग की बैठक में आप ये कहें कि मेयर भी बैठेगा, कैसे बैठ जाएगा भाई मेयर, क्योंकि नीति आयोग की बैठक का मतलब सारे मुख्यमंत्री ही बैठेंगे, उसमें उन्हीं की एजुकेशन होगी। अब कोई कहे, मैं कहता हूं मैं बहुत काबिल हूं, मैं वहां बैठ सकता हूं, मुझे कैसे बैठा दिया जाएगा, क्योंकि मुझे नहीं बिठाया जा सकता उसमें, ये तथ्य है, क्योंकि मैं क्वालिफाई नहीं किया हूं, मैं उस कैटेगरी में नहीं आता। भले ही मैं योग्य हो सकता हूं, भले ही हो सकता है मुख्यमंत्रियों से ज्यादा जानता हूं, हो सकता है मुख्यमंत्रियों से ज्यादा योग्य हूं, लेकिन हम उस कैटेगरी में नहीं आते, इसलिए उस नीति आयोग की बैठक में, उस नीति आयोग के एजुकेशन में मैं नहीं जा सकता, इसलिए एकलव्य को बाहर करते हैं। लेकिन जब आप ये पूछते हैं जाति कैसे पूछ ली, क्यों पूछ ली, कैसे पूछ ली, क्यों पूछ ली, तो मुझे लगता है कि अखिलेश यादव को भी बड़ी तेज लग गई। और आप जाति जनगणना की बात करते हैं, आप देश को विभाजित करने की बात करते हैं, आप हिंदू समाज को टुकड़ों टुकड़ों में देखने की बात करते हैं, हिस्सेदारी भागीदारी की बात करते हैं, पार्टीशन की बात करते हैं। जब आप किसी मामले में हिस्सेदारी और भागीदारी की बात करते हैं, यानी कि यू वॉन्ट टू डिवाइड द हाउस, कि भाई मेरे चार बच्चे हैं इसलिए मुझे जमीन ज्यादा दे दो, आपके दो बच्चे हैं इसलिए कम दे दो। कानून ने भी कहा कि दो भाइयों में बराबर डिवाइड होगी, लेकिन एक भाई ये कहता है कि मेरे चार बच्चे हैं इसलिए मुझे ज्यादा दे दो, तुम्हारे दो बच्चे हैं इसलिए तुमको कम मिलेगी। यानी कि अगली पीढ़ी, एक पिता के दो बच्चे, दो बच्चों में से एक के चार हुए, एक के दो हुए, और वो दो, एक जिसके चार हैं वो ये कहता है कि हमको एक बटा छः, हमको चार बटा छः दीजिए, यानी कि हमको दो बटा तीन दीजिए, दो बटा तीन इसलिए दीजिए क्योंकि हमारे चार बच्चे इनके दो बच्चे हैं, ऐसा कैसे हो सकता है। ये डिवीजन ऐसे नहीं होता। अब दोनों काम करना शुरू करते हैं, प्रोग्रेस करना शुरू करते हैं, देश के लिए सहयोग करना शुरू करते हैं, अपना मैं बढ़ूंगा तो जाहिर सी बात है हमारा देश बढ़ेगा। एक एक इंडिविजुअल अगर दो कदम आगे चलेगा, एक एक व्यापारी अगर दो कदम आगे चलेगा, एक एक मैन्युफैक्चरर अगर दो प्रोडक्ट बढ़ाएगा तो वो राष्ट्र की जीडीपी बढ़ाएगा। राष्ट्र से सीधी सी बात है कि अगर वो दो चीज़ें पैदा करना शुरू करता है तो राष्ट्र की जीडीपी बढ़ेगी। अब जीडीपी अगर राष्ट्र की बढ़ेगी तो वो राष्ट्र का सहयोग करेगा। अब आप ये कहते हो कि नहीं, आप कैसे ऐसा कर सकते हो, मैं करूंगा क्योंकि मेरे चार बच्चे हैं, ये कैसे संभव है। इसलिए हम ये ध्यान दें कि सबको एजुकेट करें, हम ये याद ध्यान दें कि हम रीराइट करें जातियों को, हम ये कहें कि हम वर्ण व्यवस्था को रीराइट करें, कर्म के आधार पर कर दें, जन्म के आधार पर सब खत्म कर दें, समझ में आता है। लेकिन भारत की समस्या जन्म के आधार पर रही है, इसलिए ये राहुल गांधी ने जो कहा, मेरी इंसल्ट करी, पहले अपनी जाति उनको खुद बतानी चाहिए। जब तक उनको अपनी जाति नहीं मालूम तब तक वो कौन सी जनगणना का हिस्सा होंगे, वो कैसे हिस्सेदारी भागीदारी करेंगे। उनकी जाति तो पता होना चाहिए, उनके विषय में पता होना चाहिए, सबके विषय में। भाई मेरे से पूछा जाएगा कि आपकी जाति क्या है, जनगणना करवाओगे तो जाति तो मेरे से पूछी जाएगी, और मैं कहता हूं आपने जाति कैसे पूछ दी इनसे, राहुल गांधी के से जाति कैसे पूछ दी, अगले यादव कह रहे हैं।
तो फिर जाति जनगणना किस आधार पर करवाना चाहते हो? जब जाति पूछ ही नहीं सकते तो पहले तो पार्लियामेंट के अंदर बैठे लोगों की जातियां पता करनी चाहिए, और उनमें भी नेता प्रतिपक्ष की जाति तो पता होनी ही चाहिए जो जाति जनगणना मांग रहे हैं। कमाल का लॉजिक दे रहे हैं ये लोग, किस किस तरह की बात कर रहे हैं मुझे तो समझ में अभी तक आया नहीं है। लेकिन आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको क्या लगता है जातियों के विषय में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।